मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं कैनन पिंडारी के अंदर जाने वाला हूँ, तो यहाँ जाता हूँ और देखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा से जानवर है, तो अंदर जाते हैं और देखते हैं। और यहाँ से अभी टिकट कटाने के लिए जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखम साहू, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को हमेशा नया वीडियो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी टिकट कटा रहा है। तो दो लोगों का 40 रुपए और हम लोग जा रहे हैं अभी अंदर। अंदर जा उसको भी देना पड़ता है, दो लोग यार। तो यहाँ उसको फाड़ कर फेंक देते हैं। और सामने जो आप लोगों को लाल कलर का दिखाई दे रहा है, ये सैनिटाइजर है जिसको हम लोग पैर में लगाते हैं। और ये सामने वाला बड़ा सैनिटाइजर है, इसको सैनिटाइजर के लिए है। दोस्तों यहाँ पास फुहारा टाइप बनाया गया है, ये देखो, जहाँ यहाँ से हम लोग निकलेंगे यहाँ पास एक निकलेगा, ये देखो। तो वहाँ से निकले तो एक सैनिटाइजर वाला लगा है ऑटोमेटिक, जिसमें सैनिटाइज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा है अंदर का बैकग्राउंड। और यहाँ पास है कुछ बना हुआ है घर का जैसा, मछली घर लिखा हुआ है, क्या पता मछली है या नहीं। और इधर है कुछ उद्यान, और इधर सामने है बना हुआ है कुछ, बीच में वो पानी वाला जो फुहारा रहता है ना, वैसा टिप बना है। उसके आगे एक और फुहारा टिप बना है। तो देखते हैं कोई जानवर दिखाई देगा तो। और यहाँ पर लिखा हुआ पॉलीथीन का उपयोग ना करें। दोस्तों यहाँ पर है छोटा छोटा चिड़िया जो कि है, इसको मिठू टाइप लग रहा है, मैना चिड़िया। देखते हैं कुछ अलग अलग लग रहा है, इधर अलग है और इधर और अलग हो सकता है। तो यहाँ पास है हरा वाला कबूतर, कबूतर ही है ना, कबूतर है पड़की है, मैं भी नहीं जानता, आप लोग को पता होगा तो कमेंट करके बता देना। और इसके बाद है यहाँ पास छोटे छोटे और चिड़िया, यहाँ बैठे हुए देख सकते हो। इसके बाद है यहाँ पास, इससे जस्ट आगे जाएंगे तो एक और आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पास है रंग बिरंगा चिड़िया, एक ये हरा वाला और उसके बगल में नीला कलर का, और जस्ट उधर जाओगे तो बहुत सारा बैठा हुआ है। और ये है पीला कलर का तोता, ये हरा कलर वाला नहीं, पीला कलर में है थोड़ा। इसको क्या कोकाटेल बोलते बोल रहे हैं, मेरे को भी नहीं पता इसका नाम, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बताना जरूर। दोस्तों हम लोग चिड़ियाघर से बाहर आ गए हैं, जो कि चिड़िया का घर था, मतलब 6 या 7 प्रकार का वहाँ चिड़िया का घर बनाया था, मतलब अलग अलग चिड़िया था। तो वीडियो में कौन सा चिड़िया का क्या नाम है बहुत लोगों को पता नहीं था, इस कारण से नाम नहीं बोला, और बहुत चीज़ हम लोगों को पता था उसको बोल दिया हूँ। तो आगे और देखते हैं क्या क्या मिलता है। चिड़िया पार्क से जैसे आए हैं, अब उसके बाद हम लोग आए हुए हैं स्नैक पार्क। आप लोगों को उल्टा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सामने कैमरास बनाओगे तो उल्टा दिखाई ही देता है। तो ये स्नैक पार्क, तो यहाँ से हम लोग जाते हैं अंदर और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार का, कितने प्रकार के यहाँ सांप हैं। ये है बैकग्राउंड, तो दोस्तों यहाँ तो सांप दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया यहाँ का सांप। दोस्तों बिल में घुस गया लगता है यहाँ का सांप, हाँ दोस्तों वो रहा, कोने में है, कोने में है, दिख गया दिख गया, ये रहा दोस्तों वो सांप कोने में। तो यहाँ पास आया था, यहाँ तो स्नैक नहीं दिखाई दे रहा है, स्नैक मतलब सांप ही होता है, तो यहाँ का नज़र नहीं है, वहाँ का स्नैक कोने में था और यहाँ का स्नैक पता नहीं है। और यहाँ का स्नैक है दोस्तों एक ये वाला, देख सकते हो, ये है स्नैक। तो ये रहा यहाँ का स्नैक, और इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्नैक यहाँ, एक नहीं दोस्तों दो ठो है, तीन ठो है, एक और इधर, एक दो, हाँ तीन है दोस्तों, एक ये रहा और एक वो रहा जो पेड़ के पीछे है, और ये किधर रहा ये कोने में। तो यहाँ तीन स्नैक है। तो इसके बाद है यहाँ पास एक और ये एक स्नैक। दोस्तों ऐसा लग रहा है ये मर गया है, लेकिन ना मरा उरा नहीं है, जिंदा है अभी।
एक ये है और एक ही है ना यहाँ, एक वहाँ और है कोने में इधर, आई थिंक दो है। देखा दोस्तों, मैं बोला था ना मरा नहीं है ऐसा कहकर, चल रहा है अभी भी। और जस्ट इधर आओगे तो यहाँ एक कुएं टाइप बनाया गया है और हो सकता है कि इसको किसी चीज़ के लिए बनाए हो। वास्तव में दोस्तों एक अजगर सांप होना चाहिए ना, तो अजगर सांप तो दिया ही नहीं है, पूरा खाली खाली नजर आ रहा है। बट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये क्या बोले हैं, दबोइया सांप बोलते हैं इसको, दबोइया, दबोइया सांप है दोस्तों। ये रहा वो कोने में रहे, दबोइया सांप है ये, दबोइया। बड़ा अजीब अजीब नाम होता है दोस्तों, मैं सुन रहा हूँ पहली बार तो मेरे को हंसी आ रहा है। और ये है धामन सांप जो कि है बोरा के नीचे। दोस्तों आप लोगों को साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से देख सकते हो धामन सांप है ये। उसके बाद है कौन सा, तो दोस्तों ये लास्ट हो चुका है, नहीं है अभी यहाँ। तो मैंने ये स्नेक पार्क के बाद, देखते हैं नेक्स्ट हम लोगों को कौन सा पार्क मिलता है जहाँ हम लोग को अच्छे से अच्छा चीज़ देखने को मिल जाए। लेकिन वहाँ उतना ही सांप था, अब उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ अभी और घूमते हैं, ये क्या चिड़ियाघर लग रहा है सामने, घेर कर बनाए हुए चिड़ियाघर लग रहा है। तो चिड़ियाघर पर अभी जाते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आज लाइफ में पहली बार मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है, आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे को नाम पता है, आप लोग बताना कमेंट करके। ये रहा बट, और ऊपर एक और है, दो तीन चार ठो है, तो सामने से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैं तीन चार बोल रहा था, यहाँ करीब करीब 6-7 ठो है और वहाँ बीच में पानी है और उड़ कर वहाँ जाकर बैठते हैं, ऊपर बना हुआ है। क्या है इसका नाम लिखा होगा, आप लोगों को बता रहा हूँ क्या नाम है, यहाँ लिखा हुआ है स्टार्क लिखा हुआ है। मतलब दोस्तों इस पर दो प्रजाति है, रोजी पेलिकन और एक वहाँ लिखा था स्टार्क, तो दो प्रजाति यहाँ पास है। दोस्तों मैंने अभी एक स्नेक वाला पार्क दिखाया हूँ, दो बर्ड्स वाला पार्क दिखाया हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्क है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जस्ट आ चुके हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट पार्क की ओर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चीता पार्क में, मैं अपने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ दोस्तों रियल में चीता को, यहाँ है। चीता बोलते हैं शायद, तक तेंदुआ बोलते हैं इसको, नाम मेरे को उतना परफेक्ट पता नहीं, तेंदुआ ही है दोस्तों, पहली बार देख रहा हूँ लाइफ में। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद और एक बना हुआ है वहाँ पास, देखते हैं क्या है। ये पोस्टर लिखा हुआ तेंदुआ ही था, और एक इधर और है, दो ठो है मतलब। तो ये रहा तेंदुआ, बीच में पानी भरने के लिए बनाया और ऊपर में उसके बैठने के लिए कूद कर। तो दोस्तों आप लोगों ने डिस्कवरी में बहुत ज़्यादा देखे होंगे, लेकिन रियलिटी में मैं पहली बार देख रहा हूँ। और ये रहा, मैं भी आप लोगों को फ़ोन में शूट कर दिखा रहा हूँ, तो आप लोग शायद ही रियलिटी में देखे होंगे। तो चिड़ियाघर आओगे तो आप लोगों को ऐसे ही दिखाई देगा। दोस्तों हम लोगों ने तेंदुआ आप लोगों को दिखा दिया, चार चीज़ आप लोगों को दिखा दिया हूँ। इसके बाद पढ़ने वाला नेक्स्ट कौन सा चीज़ देखते हैं। क्या धूप आ रहा है, सॉरी इसके लिए आँख थोड़ा बंद हो जाता है। के बाद है अपने बच्चों को बाघ देखने दे, उन्हें इतिहास का एक हिस्सा बनने दे, मस्त कहानी है। तो यहाँ शेर वाला है, तेंदुआ के बाद शेर वाला जस्ट पीछे, तो यहाँ पर शेर, हाँ दोस्तों है शेर है, आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर है बाघ शेर, सामने से दिखा रहा हूँ। और दोस्तों जो आप लोगों को सामने घर दिखाई दे रहा है, इस पर एक नहीं तीन चार ठो शेर है। अंदर जाओगे तो ये है अभी रियल वाला, तो इधर आएगा तब जूमिंग करके आप लोगों को और दिखाऊंगा अच्छे से। वो देख सकते हैं दोस्तों, उसके अंदर तीन ठो शेर है, तीन चार ठो। तो बाघ को भी पहली बार मैं देखा हूँ, इससे पहले नहीं देखा था ना, देखने की बात छोड़ो मैं तो चिड़ियाघर भी नहीं गया था, हाँ दोस्त ने रिक्वेस्ट किया तो मैं आज आया हूँ। तो यहाँ पास मैं देखा हूँ बाघ को, और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हम लोग ने वहाँ पर देखा था शेर, टाइगर एंड क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है। और यहाँ पर जो शेर है उसको बोलते हैं बब्बर शेर,
यहाँ पास लिखा हुआ है बब्बर सेन, जिसको बोलते हैं लायन। तो दोस्तों दिखाता हूँ आप लोगों को सामने से, और ये है वो जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है बरौआ गोल गोल, उसके पीछे है तो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोगों को मैं सामने कैमरा से दिखा रहा हूँ बब्बर शेर का, और वो रहा दोस्तों वो हमारा बब्बर शेर, ये रहा सामने से देख सकते हैं, वो गया पेड़ के ओधे पर, अब हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे निकलेगा दिखाई देगा, ये रहा। और जैसे आप लोग घर जैसा बना उसके पीछे और चार पांच है, जैसे वहाँ पास शेर था चार पांच और अंदर पर, वैसे ही यहाँ पास भी है। देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा है बब्बर शेर। तो हम लोगों ने देख लिया बब्बर शेर, अब क्या देखने वाले हैं, अब अगले नेक्स्ट को आप लोगों को दिखाता हूँ, जाकर बताता हूँ आप लोगों को कि कौन सा शेर देखने वाले। शेर तो नहीं होगा, देखते हैं शेर ही है कि दूसरा और चीज़ है, वीडियो में बने रहिए। मैं सोच रहा था कि कुछ दूसरा चीज़ होगा, तो यहाँ पर भी शेर है, लेकिन शेर में सफ़ेद कलर का शेर है, सॉरी सेफ बोल रहा था, शेर है वाइट शेर, और बैठा हुआ है कहाँ, हाँ दोस्तों वो लेटा हुआ है, और ये दोनों शेर लेटा हुआ है, तीनों शेर लेटा है मतलब। तो आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ, दिखाने से पहले आप लोगों को पोस्टर दिखा दूँ, और वो बैठा हुआ है एक शेर यहाँ, ये रहा, और उसके नीचे में जस्ट एक और एक उधर है लेटा हुआ है, ये रहा दोस्तों। वो सफ़ेद कलर का जो आप लोगों को शेर बता रहा था वो देख सकते हैं आप लोग, ये रहा सफ़ेद कलर का शेर, ये अभी उठ रहा लग रहा है, पहले नहीं उठेगा क्या होगा, मत उठे, हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट की ओर। तो दोस्तों हम लोगों ने आप लोगों को सफ़ेद शेर दिखा दिया, अब इसके नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्योंकि अब जंगल झाड़ी पर जा रहे हैं, जंगल झाड़ी के लिए क्या चीज़ है देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, और यहाँ पास है घड़ियाल। आप लोगों को मैं सामने से दिखा रहा हूँ दोस्तों घड़ियाल, और सभी लोग अभी धूप लेने के लिए निकले हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पास है अभी तीन, और यहाँ पर भी है अभी तीन, तो अभी धूप ले रहे हैं, और अभी पानी भरा हुआ है। चलिए दोस्तों ये भी हो गया, इसके बाद और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। ये बात था दोस्तों, ये शाही इंडियन, शाही आप लोगों ने नाम सुना होगा और चित्र देखकर समझ गए होंगे कि ये वाला जानवर नहीं है, ये कुछ पता नहीं जानवर में आता गिनती है कुछ और चीज़ में। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये बिल में घुस गया है कहीं, और ये है इसका कुछ लोकेशन बना के रखे हैं, तो यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग इससे और आगे जा रहे हैं। तो मैंने उसके बाद अब आ चुका हूँ नेक्स्ट लोकेशन पर फिर से, और ये है दरियाई घोड़ा, तो दिखाता हूँ आप लोगों को सामने से वो दरियाई घोड़ा, और सामने वो खा रहे हैं अभी, ये रहा, ये पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ दो ही अभी दरियाई घोड़ा है, मतलब ये शेर से बड़ा दिखाई देता है, जैसे भैंस रहता है ना, भैंस वैसे ठीक दिखाई दे रहा है, बस इसका मुंडी अलग है, इसका मुंडी काट के जोड़ना पड़ेगा भैंस का। दोस्तों ये वीडियो दोस्त के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है हम लोग के लिए यादगार बन चुका है, क्योंकि फर्स्ट बार भाई गाड़ी चलाते हुए लाया है, मैं कवर्धा से लेकर पूरे बिलासपुर तक क्या ब्लॉगिंग कर दिया, अब यहाँ से ये क्या कहते हैं कानन पेंडारी जो बोलते हैं, तो यहाँ जंगल है, तो यहाँ से जितना भी सारा आप लोगों को दिखाऊँगा, वीडियो में सिर्फ बने रहिए आप लोग। तो आप लोगों ने बरहा के बारे में सुना होगा, क्योंकि बरहा तो हर जगह मिलता है, लेकिन जंगली बरहा को आप लोगों ने शायद तक देखे नहीं होंगे, तो आप लोगों को जंगली बरहा को दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आज तक नहीं देखा था, सामने दिखाता हूँ दोस्तों। ये रहा जंगली बरहा, और वो रहा जंगली बरहा जिसको मैं आज रियलिटी में देख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं शहर में रहता हूँ, इस कारण से कुछ भी देखने को नहीं मिलता, और ये गाँव इस तरफ जाओगे इलाका में तो ये आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों ये बरहा मेरे को तो जैसे हम लोगों को सामने जो दिखाई देता सेम वैसे ही है, बस इसका स्वभाव अलग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और ये है दोस्तों हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मतलब अभी चल रहे हैं मैं और दोस्त, और यहाँ का सामने का बैकग्राउंड देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट हम लोगों को और क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसकी पोस्टर को बायसन गौर लिखा है, शायद तक किसी को वन भैंसा भी बोलते हैं, शायद तक पता नहीं वन भैंसा बोलते हैं अभी नहीं, ये जो पैर आप लोग देख रहे हैं इसी की जस्ट पीछे है, और वहाँ पास है ये बहुत सारा, ये रहा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा,
तो मैं आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ। कहाँ से अच्छा दिखाई देगा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा दोस्तों, यहाँ से आप लोगों को दिखाई देगा अच्छे से, ये रहा। और एक यहाँ पास है जस्ट पैरे के पीछे, तो सामने होता तो और अच्छा दिखाई देता, अब बैठ पीछे है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर, क्या है देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे आगे और क्या है। दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और कितना सारा कितने दूर से हैं आप लोग कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं बिलासपुर आया था तो यहाँ पर शूटिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये जो नेक्स्ट लोकेशन है ये मगरमच्छ का है, तो यहाँ जो पीछे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं बहुत लोग घूमने के लिए आए भी हुए हैं, तो आप लोगों को मैं सामने से दिखा रहा हूँ कि क्या है। और ये रहा दोस्तों उसका पोस्टर, और यहाँ दिखाई दे रहा, हाँ दोस्तों है सामने है, ये रहा मगरमच्छ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। एक ही है कि और है मुकेश? दोस्तों अभी एक ही दिखाई दे रहा है, और ये रहा पानी, और ये रहा बीच में और जैसे टापू टेप बना दिए हैं और कुछ नहीं है। तो अभी जो नेक्स्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तक के जितने भी देखे हैं वो मतलब कहीं सोया है तो कहीं पेड़ के पीछे है तो कहीं क्या है। और यहाँ जहाँ मैं देखने वाला हूँ आप लोगों को शायद तक शुतुरमुर्ग है, और पास ही दिखाऊंगा अभी यहाँ इसको, तभी वीडियो में बने रही है। तो आप लोग देख सकते हैं शुतुरमुर्ग को, मैं आप लोगों को सामने से ले जा रहा हूँ क्योंकि पहले बार ये जानवर पास में है, कितना बड़ा देख सकते हो। वो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है इधर से उधर, वो भाग गया दोस्तों उधर भाग गया, वो फिर से आएगा देखना, लौट कर जरूर आएगा। वो आ रहा है दोस्तों, आ रहा है, वीडियो में बने रहना। ये आ गया, ये रहा दोस्तों शुतुरमुर्ग। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर, देखते हैं और क्या है। हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं शुतुरमुर्ग, अब इसके बाद कौन सा है पड़ता है नेक्स्ट चिड़िया है या जानवर, अब देखते हैं क्या है, आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। करीब सभी तक किसी भी पक्षी को मैं नहीं दिखाया हूँ, तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं। और इस पक्षी का नाम क्या है, वहाँ पास लिखा होगा इमू, इसका नाम बता रहे हैं इमू, पक्षी का नाम है इमू। तो ये इमू पक्षी है, और इसके बाद और कौन से पक्षी पड़ते हैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वीडियो में सिर्फ बने रहिए। और ये रहा दोस्तों वो इमू पक्षी का पोस्टर, फिर से आ रहा है, मतलब इस लोगों को कुछ खिलाओगे ना तो पास में आ जाते हैं, लेकिन खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है अभी दोस्तों। इतना ज़्यादा मेरे को पक्षी और जानवर है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ सांप और वो क्या कहते हैं कबूतर वगैरह जो होता है उसको बस मैं अभी तक के अपने आँखों से देखा था, लेकिन आज जो भी देख रहा हूँ, और नाम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत चीज़ वर्ल्ड को ऐसे मैं चित्र से पहचानता था कि हाँ ये वाला पक्षी ऐसा टाइप। दोस्तों इसके बाद था मूसक हिरण, लेकिन अभी यहाँ तो है नहीं, अंदर है घर के अंदर, अब कैसे दिखाऊँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पूरा खाली है यहाँ दोस्तों। मूसक हिरण और इसके लिए घर भी बनाया है, लेकिन घर में अभी है नहीं कोई, अब देखते हैं अब शायद ही। चलो दोस्तों हम लोगों को टाइम हो रहा है, अब दूसरा की ओर चलते हैं, क्योंकि टाइम हो जाएगा तो हम लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे बहुत चीज़ है जिसको हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग भी थक जाते हैं तो जाकर अपना घर में आराम कर रहे हैं दोस्तों। अब आप लोगों को दिखाई देगा बहुत ही ज़्यादा हिरण। यहाँ कितना सारा है, 6, 7, 8, 10 से 12 है दोस्तों, 10 से 12 हिरण है आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 12 सिंगा हिरण है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 12 सिंह है, अरे सॉरी दोस्त क्या क्या बोल देता है, 12 सिंह हिरण है। और ये रहा सब सबके सब सामने है, ये रहा हिरण, और उधर से दोस्तों साफ में नजर आएगा आप लोगों को, ले चलता हूँ उधर, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 4-5 इधर बैठे हैं और 4-5 उधर हैं, कुल मिला के वही होंगे 8-10 या फिर 12 के आसपास होंगे। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या है। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरा दोस्त बहुत ही आगे चला जाता है, अब क्या बताऊँ, लगता है उसको तो धीरे धीरे चलना चाहिए ना, इतना फास्ट भगता है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों, आप लोग शेयर जरूर कर देना यार प्लीज़, कम से कम 3 लोगों को शेयर कर दोगे फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 3-3 करके बहुत लोग से ये मतलब वीडियो जाएगा और बहुत लोग देख पाएंगे जो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं। तो मैं आ चुका हूँ नए लोकेशन पर,
इसका नाम है नील गाय ब्लू बैल। तो ये रहा कुछ पीछे और ये रहा मेरा दोस्त, और पीछे देख सकते हैं कितना सारा जानवर है यहाँ। तो सामने से आप लोगों को दिखाता हूँ, डिटेल में दिखाई देगा। हाँ देख सकते हैं दोस्तों कितना सारा है नील गाय। इसका नाम कैसे नील गाय पड़ गया पता नहीं, ये नीला होने के कारण इसका नाम पड़ना था नील गाय, लेकिन एक काला और इधर काला कलर में है और इधर भूरा कलर में है। और यहाँ और है बहुत सारा है मतलब। तो हम लोग नील गाय से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब सामने पड़ता है वैसे ही कुछ गाय है, अब क्या पता कौन सा गाय है, आप लोगों को पोस्टर में दिखाऊंगा नाम तो समझ आ जाएगा। तो वीडियो में सिर्फ आप लोग बने रहिए, और वीडियो को प्लीज़ यार कम से कम 3 लोगों को शेयर कर देना जिससे कि वीडियो आगे बढ़ता रहे। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो नाम बता रहे सांभर, और यहाँ छोटा सा लिख कर रख दिया है, अब क्या पता कि नाम सांभर ही है कुछ और है, इतना सारे बैठे हुए हैं। और उधर तो आप लोगों को दिखा दिया था नीलगाय, जस्ट नीलगाय के बगल में है सांभर। सांभर आप लोग सोच रहे होंगे एक प्रकार का और होता है सब्जी में सांभर, वाला सांभर नहीं है, थोड़ा जानवर वाला सांभर है। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं और क्या है, वीडियो में बने रहिए। ये रहा दोस्तों इसका, इसको क्या बोलते हैं मुकेश, बारह सिंह अभी इसी के साथ में है, 1, 2 और 1, 3 बारह सिंह है एक साथ बैठे हुए, तीन ठो। और इसके बाजू वाला बता रहे हैं हिरन है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, अभी पोस्टर को दिखाता हूँ क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलता है हिरन, बहुत ही अच्छा चीज़ है हिरन, आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने कहानी सुना होगा क्या मस्तक में होता है तो उसके कारण वो भगते रहता है, लेकिन उसके क्या कहते हैं सिर में ही रहता है बाल को। तो आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ जिसको बोलते हैं कस्तूरी, दोस्त याद भी दिला दिया। तो ये रहा सामने दिखा रहा हूँ आप लोगों, और ये रहा दोस्तों वो कस्तूरी। दोस्तों DSLR कैमरा रहता तो बहुत ही साफ दिखाई देता, बट अपना उतना ज़्यादा बजट नहीं है इस कारण से, चलो छोड़ो भगवान देगा एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और इधर बहुत ही ज़्यादा बारह सिंह है, बारह सिंह वाला सॉरी दोस्तों, हाँ बारह सिंह हिरन है क्या, हाँ हिरन है, बारह सिंह नहीं है ये हिरन है। और खाने के लिए उसको दिए हुए बहुत सारा देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब इसके बाद और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे और क्या है। तो इसका नाम बताते हैं चीतल, जिसका कि हम लोग बोलते हैं इसको हिरन के नाम से जानते हैं, इसका नाम पोस्टर पर लिखा हुआ है चीतल। तो चलिए दोस्तों इससे और आगे बढ़ते हैं कि क्या देखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है सियार गिदड़, आप लोगों को मैं सामने दिखा रहा हूँ लेकिन बहुत ही दूर यार, शायद तक कैमरा में आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, हम लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को कैमरा में दिखाई देगा ये पता नहीं, आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। तो ये रहा उसका पोस्टर, और जस्ट इधर बगल में लेटे हुए हैं, और यहाँ पर सभी खेल रहे थे, कहाँ गए यहाँ से दिखा रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा बैक आना पड़ेगा, हाँ यहाँ से दिखाई देगा कुछ, यहाँ देख सकते हैं आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर, और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो हम लोग दूसरा लोकेशन पर और आ चुके हैं, और यहाँ लिखा हुआ है भालू उसका पोस्टर, और वो रहा भालू। यहाँ जूमिंग करता हूँ, ये रहा क्या कर रहा पता नहीं अभी, ये रहा भालू अलाल भालू अलाल, और ये रहा उसके लिए बनाए हुए झूलने के लिए। तो दोस्तों ये रहा भालू, चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आप लोगों को क्या के क्या क्या है। प्लीज कमेंट करके बताना कि ये वाला जानवर कौन सा है, क्योंकि इसका पोस्टर यहाँ नहीं है, और ये मांस खा रहा है क्या, पाढ़ा, इसका नाम पाढ़ा बता रहे हैं, और ये मांस भी खाता लगता नहीं है, लेकिन ये मांस खाता होगा क्या, कर देखो ना मांस खा रहा है, और पानी तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन मांस खाना मेरे को उचित नहीं लग रहा है, अपने स्वभाव के हिसाब से खाते हैं, जब मानव खा सकता तो ये तो जानवर है। चलिए इसका पोस्टर दिखाते हैं, क्या पाढ़ा बोल रहे हैं, अब क्या पता कौन सा पाढ़ा है। इसका पोस्टर यहाँ होगा जस्ट सामने, हाँ दोस्तों पाढ़ा है पाढ़ा, क्योंकि लैंग्वेज अब हम लोगों का बहुत लोगों का अलग अलग रहता है, शब्द वही रहता है, तो आप लोग पढ़ लीजिए यह पाढ़ा है पाढ़ा हॉग डेयर। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात चलते हैं अपना नेक्स्ट लोकेशन पर, और नेक्स्ट लोकेशन तुम लोगों का यहाँ है खाली हिरन का छोटे छोटे बच्चा लग रहा है,
वहां पास लिखा हुआ है पोस्टर, तो पोस्टर को आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। तो पोस्टर पर जाने पर हम लोगों को क्या नाम दिखाई देता है यहाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ जो भी हम लोगों को मैं अभी देख रहा हूँ पूरा लगभग एक जैसे लग रहा है, लेकिन नाम अलग अलग है सभी का। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है चिंकारा, तो इसका नाम बता रहे हैं चिंकारा। उधर देखते हो कितना कूद रहे हैं वे, अरे बाप रे। तो दोस्तों ये रहा चिंकारा, इसके बाद है नेक्स्ट लोकेशन आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन में और ये है सफेद हिरन। तो आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ, आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिए। और ये सबसे बड़ा हिरन है जो सामने आ रहा है, ये है सफेद हिरन और आप लोग सामने दिखा रहा हूँ पोस्टर के बाद, ये रहा सफेद हिरन आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद और चलते हैं। इधर तो सबसे बड़े जानवर नहीं लग रहे हैं, सब मानव हैं, कोई जानवर नहीं है इधर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट लोकेशन का नाम है काला हिरन, तो यहाँ पास नाम है काला हिरन, पोस्टर को दिखाता हूँ दोस्तों, इसका नाम है काला हिरन। और इधर से आप लोग देख सकते हैं कितना सारा है, बहुत ही ज़्यादा, 15 से 20 होगा, 20 से 25 हो सकता है। और इन लोगों से ज़्यादा खतरा नहीं रहता, देख सकते हैं बहुत लोग इसको पैर डाल रहे हैं क्योंकि इन लोग उसी को खाते हैं, और ये अभी कुछ खा रहे हैं हरा हरा। चले दोस्तों और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में, क्या देखते हैं। बहुत से लोग घूमने के लिए आते हैं, सामना क्या चीज़ है इसका नाम पता नहीं है, आप लोग दिखा रहा हूँ आप लोगों को, नाम है भूरिच। ये भू जो ज़मीन खोदता है ना दोस्तों, ये वही जानवर है। एक दो खोद कर और दिखा दो, दिखा सकते हो तुम तो। ना तो आता नहीं है, लेकिन यार वास्तव में बहुत सारा देखो तो। मिट्टी को खोद खोद तो अपने घर बना रहा है, ये आ गया। इसको खोद डालो, पूरा खोद डालो, खोद डालो, खोदिए खोदिए दोस्तों। जंगली बिल्ली सामने दिखाता हूँ, जंगली बिल्ली, जंगली बिल्ली, और ये बैठा हुआ है उंघाता हुआ जंगली बिल्ली। हेलो ओए, वो देख नहीं रहा दोस्तों, छोड़ो उसको, उसके ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन लाठी चार्ज करोगे तो फाइन ठोकना पड़ जाएगा यहाँ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है कोटरी, सामने से दिखा रहा हूँ दोस्तों कोटरी, जो कि ये भी जो है हिरन का प्रजाति है। यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये रहा सामने का है, ये हिरन का ही प्रजाति है, लेकिन हिरन नहीं है, यहाँ देख सकते हो। और वो एक लकड़ी ऐसा लग रहा है जैसे शेर बैठा, कुछ नहीं है ये। चलिए दोस्तों इससे और आगे बढ़ते हैं, क्या है अब दिखाता हूँ आप लोगों को। हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, और ये है यहाँ का राष्ट्रीय पशु पक्षी, पीछे देख सकते हैं मोर बैठा हुआ ऊपर, सामने से दिखाऊंगा तो आप लोगों को और अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है भारतीय मोर, और ये एक यहाँ है जस्ट कोने पर और एक इधर है, और ऊपर में दो ठो और है, एक इधर और एक इधर। तो पिंजरा में बंद होने के कारण दोस्तों अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है, और इधर और है बहुत सारा है, मतलब ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, और एक इधर और है, क्या है, मोर है कि कुछ और चीज है, मोरी है, तो ऊपर बैठा हुआ है यहाँ। और ये है वो छोटा सा बच्चा है एक और मोर का, ये बीच में है जो, ये छोटा सा बच्चा है मोर का। उसके बाद है इधर आओगे तो भारतीय मोर, ये भी भारतीय मोर है, लेकिन दोस्तों मोर मोर में फर्क है, ये वाला है वाइट कलर में मोर, देख सकते हैं इसको ब्रह्मा जी ने रंगना भूल गया था लगता है। और ये रहा ऊपर, बहुत ही सफेद है दोस्तों, लेकिन ये, चलिए दोस्तों और देखते हैं आगे आगे और क्या है, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। हमारा नेक्स्ट लोकेशन है चील एंड उल्लू, तो चील और उल्लू को तो हम लोगों ने देख ही लिया है, दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेकिन इन लोगों के यार एक चीज़ है कि इन लोगों को उंगली नहीं दिखाया जाता, पता नहीं क्यों ऐसा है मान्यता है, लेकिन उंगली नहीं दिखाते, उंगली दिखाने से पता नहीं क्या बुरा होता है ऐसा कहते हैं, बट आई डोंट नो, मेरे को कुछ पता नहीं है। चलिए आप लोगों को सामने से दिखाता हूँ,
ये रहा दोस्तों उल्लू का पोस्टर और बैठा हुआ है उल्लू ऊपर, लेकिन जाली की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ लिखा हुआ है चील, लेकिन चील नीचे बैठा हुआ है। जिसको ऊपर होना चाहिए वो ऊपर है, ऊपर नहीं होना चाहिए, सॉरी उल्टा बोल दिया। जिसको ऊपर होना चाहिए वो नीचे है, जिसको नीचे होना चाहिए वो ऊपर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। तो हम लोग जो कॉपी किताब में रखते हैं मजूर का पंख, वो वाला मजूर यहाँ रखा हुआ है, जिसको बोलते हैं मोर। और बहुत सारा है, आगे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये मोर का जगह तो नहीं है, फिर भी इसको रखा हुआ है, ये देख सकते हैं मोर को। पलट नहीं रहा दोस्तों, अब कितना टाइम पलटेगा पता नहीं, शकल दिखा दे। हेलो शकल दिखा दे। चलिए दोस्तों शकल दिखाएगा तब लाऊंगा। और इधर है तोता और पीछे बैठे हुए हैं मिट्टू, पैरोट, पैरोट माने तोता। और ये है उधर तोता, और वो क्या चीज है वो जो ऊपर में बैठा हुआ है। और ये है मजूर के नीचे में एक और बैठा हुआ है, भूल गया था इसको दिखाने के लिए, ये भी मजूर है। ये कौन सा पक्षी समझ नहीं आ रहा दोस्तों, ये ऊपर में है, ये भी मयूर है क्या? हाँ ये भी है, और नीचे साथ ही साथ तोता भी है। हाँ दिखा दिया दोस्तों अपना शकल को, ये रहा। तो यहाँ जो बनाया है जितना भी पिंजड़ा पूरा मोर का है, इंडियन मोर का पूरा मोरी मोर है यहाँ पास। ये ऊपर देख सकते हैं, पहले बार आवाज सुने दोस्तों इसका। दोस्तों हम लोगों के लिए बस थोड़ा सा बचा है, और ये देख सकते हैं सामने का रास्ता, हम लोग निकलने वाले यहाँ से पतली गली से अपना घर। और उससे पहले है दोस्तों इधर और कुछ, ये क्या नाम लिखा हुआ है देख सकते हैं, चौसिंघा। और ये है दोस्तों आप लोगों को सामने दिखा रहा हूँ चौसिंघा को, यहाँ देख सकते हैं जितना भी चौसिंघा है। और ये रहा पीछे, तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्या है। यहाँ पास मजूर का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है दोस्तों, क्योंकि उधर ना बहुत ही सारा मजूर है। देखा दोस्तों आवाज़ को आप लोगों ने सुना होगा। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है। दोस्तों हमारा सफ़र हो चुका है ख़त्म, और यहाँ है कुछ गार्डन बैठने के लिए, तो हम लोग बैठेंगे शायद ही, हम लोग को टाइम हो जाएगा क्योंकि बिलासपुर से हम लोग को जाना है अभी कवर्धा, वापसी होना है। तो हम लोग यहाँ पर ही अपने वीडियो को एंड करते हैं, गार्डन के अंदर वाला भाग है। चलो अंदर आ गए तो हम लोग आप लोगों को पूरा दिखा दूँ मैं, देख सकते हैं जैसे हम लोग अंदर आ। तो काली गार्डन से उससे अच्छा है, क्योंकि काली गार्डन दोस्तों उसको गार्डन इसलिए बनाया गया क्योंकि वहाँ पर तीन तालाब था, तीनों तालाब मतलब गंदगी टाइप भर गया था, इस कारण से वहाँ ना थोड़ा उसको सफाई करके गार्डन का रूप दिया गया है। लेकिन वास्तव में ये पूरा गार्डन है जहाँ पाओ शांति से बैठ सकते हो। और यहाँ पास बहुत लोग है, थोड़ा बेझिझक टाइप लगता है। और दोस्तों यहाँ पास बना हुआ है तितली, उसके बाद है यहाँ पास फुहारा, उसके बाद है दोस्तों ये क्या कहते हैं इसको, एलिफेंट, हाथी। अंदर से जाओ और वहाँ से कूद जाओ, ये देख सकते हैं दोस्तों हाथी का इतना ज़्यादा छेद है कि जहाँ से पाओ वहाँ से घुस जाओ और वहाँ से आ सकते हो। तो दोस्तों इसके पीछे से चलते हैं और आगे से निकलते हैं। मैं आ चुका हूँ एलिफेंट के पीछे, और यहाँ से मैं घुसता हूँ और निकलता हूँ, जल्दी चलता हूँ और बड़े वाले पार्ट से निकलता हूँ। दोस्तों मैं नीचे आ गया, आ जा तू भी आ जल्दी आ। मैं
अभी झूल रहा हूँ झूला। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ भाई शेयर कर देना यार, क्योंकि इतना मेहनत से बनाया हूँ कि पूछो मत। कवर्धा से आया था, करीब करीब आप लोग समझ सकते हो 118 किलोमीटर की दूरी पर है ये बिलासपुर, जहाँ पर मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को जितना हो सके शेयर अधिक से अधिक कर देना, आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर कर देना दोस्तों, मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। और ये है मेरा दोस्त तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग घूम चुके पूरा कानन पेंडारी को, तो हम लोग करते हैं बाय बाय कानन पेंडारी। और आप लोगों से मैंने बोला है वीडियो शेयर करने के लिए, तो वीडियो को शेयर जरूर से कर देना, और लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब मिलता हूँ मैं कवर्धा में, तब तक के लिए बाय बाय।